देश के बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों तक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बढ़ रहा है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले कई यूजर उसकी फीस पर ध्यान नहीं देते हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनियां या बैंक अलग अलग फीस के नाम पर यूजर से काफी पैसे वसूलते हैं। कुछ चार्ज तो बैंक या एजेंट जिक्र भी नहीं करते हैं, तो वहीं हिडन चार्ज आपकी जेब पर चुपके चुपके डाका डालते हैं। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड के यूजर है तो इन फीस के बारे में जानना जरूरी है। ज्वाइनिंग फीस और एनुअल चार्ज। ज्यादातर क्रेडिट कार्ड पर आपको ज्वाइनिंग फीस या एनुअल चार्ज देना होता है। गौरतलब है कि ज्वाइनिंग फीस जो होती है वो सिर्फ एक बार देनी होती है, तो वही एनुअल चार्ज आपको हर साल देना होता है। बैंकों के हिसाब से एनुअल चार्ज अलग अलग होते हैं। हालांकि सालाना एक तय लिमिट खर्च करने के बाद कई बैंक एनुअल चार्ज माफ भी कर देते हैं। नंबर दो, फाइनेंस चार्ज। अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल पूरा नहीं भरते हैं तो बाकी बिल पर बैंक फाइनेंस चार्ज लगाते हैं। इस वजह से एक्सपर्ट मिनिमम अमाउंट ड्यू की जगह पूरा बिल भरने की भी सलाह देते हैं। नंबर तीन है कैश एडवांस फीस। कैश एडवांस फीस यह वह रकम होती है जो कि क्रेडिट कार्ड के जरिए एटीएम से पैसा निकालने पर क्रेडिट कार्ड कंपनी या बैंक की ओर से ली जाती है। आमतौर पर यह 2.5% होती है। ऐसे में आपको क्रेडिट कार्ड के जरिए एटीएम से पैसा निकालने से बचना चाहिए। इसके बाद में पेट्रोल पंप पर लगने वाला सरचार्ज। ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि क्रेडिट कार्ड के जरिए पेट्रोल डीजल भरवाने पर कार्ड कंपनियां सरचार्ज भी वसूल करती है। हालांकि एक तय लिमिट तक कुछ बैंक इस चार्ज को वापस भी कर देती है। इसके अलावा फॉरेक्स मार्कअप फीस भी होती है। विदेश में क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर कार्ड कंपनियां फॉरेक्स मार्कअप फीस भी वसूल करती है और ये आपकी फी ट्रांजैक्शन अमाउंट का 3.5% तक हो सकता है। हालांकि कुछ ऐसे कार्ड भी है जो कम फॉरेक्स मार्कअप भी वसूल करते हैं। तो ऐसे में अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन फीस के बारे में पहले पता कर ले। कोई भी कार्ड खरीदने से पहले आपको इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशन जो होती है वो पूरी तरह से ध्यान से पढ़ लेनी चाहिए। इसके बाद ही क्रेडिट कार्ड का बहुत ही ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए।